सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मेरा नाम मालता आता है, हम सिपु कॉलोनी एडिटर्स का यूथ है। जामसी की आज मैं पढ़ने वाला हूँ पंजाब साइटा चैप्टर 100। जामसी की आज मैं पढ़ने वाला हूँ पंजाब साइटा चैप्टर 100। चैप्टर 100। ओके। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जयकार करो। अनंत से यहोवा की आराधना करो। जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराइयों की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद। उसके आंगनों में से स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक के साथ बनी रहती है। आमीन। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। मेरा नाम मालता आता है, हम सिपु कॉलोनी एडिटर्स का यूथ है। आज हम बाइबल बोलना चाहते हैं, उससे पहले 3 बार प्रे करते हैं। फ्रेज लॉर्ड। चलते हैं बाइबल की ओर। आप सबको बाइबल में ये पहले कमांडमेंट दिया है कि एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, गरीबों की मदद करो। आपको सबसे पहले बाइबल में ये कहा है। और आप ये करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो तो अभी से करना शुरू कर दो, वरना नर्क में जाओगे, करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। आप अपना दिखाई देने ला दोस्त को प्यार नहीं करते तो ईश्वर को दिखाई नहीं देने ला उसको कैसे प्यार करेगा? और एक तो बाइबल में बोलेगा ना, एक लड़का था, वो लड़का जो जीसस को एक घर बना देगा बोले, सोनाला चार्ज पूरा बना देगा बोले ना, और वो चार्ज को ईश्वर नहीं चाहिए बोले, मेरे पास ऑलरेडी एक तो घर है बोले। फिर वो पूछे, आपका घर कहाँ है ऐसे पूछे थे ना वो लड़का। वो जीजस जो ऐसे बोला, तुम हो मेरा घर, तेरा दिल है मेरा घर, और वो घर को तुम नष्ट करेगा, हम तुमको नष्ट करेगा, वो मंदिर को तुम नष्ट करेगा, हम तुमको नष्ट करेगा। जैसे कि आप बीड़ी पिएंगे, आप पिएंगे सदा कहेंगे, बीमार कहेंगे, आपका दिल नष्ट हो जाएगा, तो ईश्वर वहां पे रह पाएगा नहीं ना। इसलिए आपको बीड़ी नहीं पीना चाहिए, आप नहीं पीना चाहिए, ये मैं कहना चाहता था। फ्रेंड्स, लॉर्ड तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के पास जानी चाहिए। कैसे होगा ये सारी कैसी? जब हम अपने मुंह को कंट्रोल में रखें, जब हम ऐसी बोल देंगे क्या हम अपने मुंह से गलत बातें निकालेंगे तो हम ना उसको लग पाएंगे ना हमारी पवित्र आत्मा वहां पे जा पाएगी। अगर हमें उधर जाना है तो सबसे पहली बार कि हमें अपने मुंह पे कंट्रोल रखना चाहिए। मैं अभी सोच रही थी क्या बोलूं, और मैं एक आयत से आपको बता दूंगी, मेरे साथ निकाले नीति वचन उसका 21 बाब उसकी 23 की आयत, नीति वचन 21 उसकी 23 किसकी तेईस जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है।
जो अपने मुंह को वश में रखता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है, बहुत से लोग अपने मुंह को वश में नहीं रखते, जो दिल में आता है वो जुबान पे आता है। हम बहुत सी बात दिल में कड़वाहट रखते हैं, दूसरे के लिए बुराई रखते हैं, तभी हमारी जुबान पे गलत शब्द आते हैं। बहुत सी बार हम कुछ गुनाह कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, ऐसी बड़ों को बोल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ों को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि मुंह को अपने मुंह को वश में रखना है, तभी तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जा पाएगी। ये नहीं सिखाया, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह को वश में रखना नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे अपना भरोसा नहीं रखा, अपना ध्यान नहीं लगाया, अपना पूरे मन से अपने दिल को परमेश्वर के आगे नहीं रखा, तभी उन्होंने अपने मुंह को वश में नहीं रखा। उन्होंने बहुत से